हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की जो यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने जो जारी की है उसके अनुसार क्या क्वेश्चन क्या उनके आंसर हैं वह लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और दोस्तों, ये हमारे पास है मास्टर क्वेश्चन पेपर जो दिया है यूपी पुलिस के बोर्ड ने। तो दोस्तों, इसके अनुसार देखते हैं हम क्या क्या आंसर हैं किसके। और आंसर की अभी आप जो हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंसर की आ रही है। इसके अनुसार जो है हम आपको बताते हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक एक जिले वाला क्वेश्चन था दोस्तों। मैं केवल आंसर बताऊंगा आपको, आपको जो है तेजी से अपने पेपर में जो है आपको टिक करते हुए चलना है और क्वेश्चन देख लेना है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हैं, ये तो मास्टर क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, एक का आंसर जो है वो आपका बी है, जालौन। एशियाई खेल वाले का आंसर जो होगा वो सी होगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, इसका आंसर भी सी होगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं, गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा ए, देवरिया। क्वेश्चन नंबर पाँच को देखते हैं तो वाल्मीकि वाला, इसका आंसर होगा बिठूर। क्वेश्चन नंबर छः को देखते हैं, यहाँ पर 1845 उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन है, तो इसे पे जो है बनारस अखबार, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, जौनपुर के सरकी शासक वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वो कवाली होगा, यानी ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आठ में जो आंसर होगा वो सी होगा, फारुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए, यह वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर दस को देखते हैं तो दस में सही आंसर होगा सी, बिहार, सांख्यिकी मंत्रालय वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जून 2018 को समाप्त होने वाली फसल के, यह वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो है 284.83 मिलियन टन, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं तो 13 में जो है क्वेश्चन नंबर बी, 30 जो है इंडेक्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में जो है आपका बी सही है, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण अनुच्छेद 20 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं तो 15 में जो है 21 ए के बारे में पूछा है, और यह इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं तो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आंसर जो है वो सी है, राज्यपाल की राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यहाँ पर अनुच्छेद 22 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में आपका डी सही होगा, फारूक रुद्दीन अली अहमद, 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, लेबनान की राजधानी पूछा था वहां पर, तो इसका सही आंसर बेरूत। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, कजाकिस्तान की मुद्रा, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी, तेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 की आंसर जो है आपका बी सही होगा, ब्राजील। और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, इसके तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो आपका ए सही होगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं तो भारत का सबसे पुराना पेट्रोल तेल, तो इसका सही आंसर आपका सी, असम। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो 24 जो है भारत के राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा सी होगा, एच एल दत्तू। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं तो 25 जो है भारत की दिल्ली पुलिस द्वारा वाला क्वेश्चन है, और सही आंसर जो है इसका 36 है। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 में सही आंसर आपका सी होगा, म्यांमार। यदि आपको वीडियो ज़्यादा तेज लग रही हो दोस्तों, तो आप जो है इसे रोक कर जो है अपने आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा दिनेश त्रिवेदी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका सही आंसर अजय त्यागी, यह जो है भर्ती बोर्ड ने माना है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं तो 29 में सही आंसर ए होगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में सही आंसर होगा ए, 50। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं तो 31 में सही आंसर जो होगा आपका डी होगा, अपघटन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 भूजल रिसाव वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा एक्वीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 विषाणु के कारण बीमारी वाला क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा इसका पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, 2008-2009। क्वेश्चन नंबर 35 देखें तो इसका सही आंसर डी होगा, जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों 36वां क्वेश्चन है, 36वें क्वेश्चन का सही आंसर ए एस दुलत होगा। और क्वेश्चन नंबर 37 जीएसटी वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 12 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38, तो 38 का आंसर आपका ए होगा, 2009। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मैथ स्टार्ट हो चुका है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा -2। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 125.5543 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, 7/16, 7/48, इसका सही आंसर जो होगा आपका बी होगा, 7 सही 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर जो होगा 97/44 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 143 को देखें तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सी, यानी कि 80 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं, तो सही आंसर जो होगा इसका ए होगा, भर्ती बोर्ड ने जो सही माना है, हम वही आंसर आपको बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 45, तो 45 में जो है सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, 78 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, तो 46 में जो है आपका आंसर सी होगा, 468 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका 792, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 में आपका सी सही होगा, भर्ती बोर्ड के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो भर्ती बोर्ड के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 में जो आंसर होगा वो सी आंसर माना है भर्ती बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो 51 में आंसर जो है वहाँ पर बी माना है। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 52 में आपका सी आंसर जो है भर्ती बोर्ड ने माना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो 53 में डी आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना है भर्ती बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो 55 में जो है बी आंसर माना है। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 में सी आंसर माना है, यानी कि 12। और क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, 57 में जो है आपका डी आंसर माना है, 6। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो 58 में ए सही माना है, मांग। और क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं तो 59 में बी सही माना है, शस्त्रागार। और क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर जो है डी बताया है। और क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो होगा आपका बी, यानी कि चाबी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है आपका ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं तो 64 में सही आंसर जो आपका होगा ए होगा, 2226 3 4। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, 65 में आपका ए सही होगा, पौधे। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं तो 66 में जो है आपका डी सही होगा, JMP बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, UA। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका डी सही होगा, LO। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सी सही होगा, 5 6। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं तो 70 में आपका सी सही होगा, बिल्कुल 7। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 में आपका डी सही होगा, 2 4 4 1। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं तो 72 में आपका बी सही होगा, 3 5 3, यानी कि 353। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो 73 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो 74 में आपका बी सही होगा, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं तो 75 में आपका ए सही होगा, जिसका मतलब है केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका ए ही सही होगा, यानी कि केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, 77 में जो है आपका सी सही होगा, 140। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो 78 में आपका ए सही होगा, 139। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं तो 79 में आपका बी सही होगा, 610। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका सी सही होगा, 31। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका जो है वो डी सही होगा, 28। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं तो 82 में आपका ए सही होगा, 28। और क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं तो 83 में आपका बी सही होगा, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं तो 84 में आपका बी सही होगा, शुक्रवार। और क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं तो 85 में आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 में आपका जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में जो है आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपका बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 89 में आपका सी सही होगा, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं तो 90 में आपका डी सही होगा, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो 91 में आपका डी सही होगा, पैरतक या मात्रक बाही। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं तो 92 में आपका ए सही होगा, कृंतक। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं तो 93 में आपका बी सही होगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 94 में आपका ए सही होगा, यानी कि 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं तो 95 में आपका ए सही होगा, 1:10। क्वेश्चन नंबर 96 को देखें तो यहाँ पर आपका जो है सी सही होगा, 4:13। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं तो इसका सही आंसर आपका
बी होगा 20। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं, 98 में आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी ऑप्शन यानी कि 10 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं तो 99 में आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, तो 100 का आंसर जो होगा आपका ए होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101 में जो है आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 में जो है आपका ए सही होगा, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 103 में जो है आपका सी सही होगा, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 104 में सही होगा आपका डी, फेडरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 105 में आपका सही होगा सी, जो ऑप्शन में भी सी दिया हुआ है। 106 में सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 107 का देखते हैं, तो 107 में जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में देखते हैं, तो 108 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं, तो 109 में आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, तो 110 में आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं, तो 111 में आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 112 की बात करें, तो 112 में भी आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, तो 113 का भी जो आपका ए होगा, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारियों से शिकायत दर्ज कराना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, तो 120 में जो है क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे दोस्तों, जो आपको देखना है लेफ्ट साइड, तो इसमें जो आंसर होगा वो अंतस्थ यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 में आंसर आपका ए होगा भर्ती बोर्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118, तो 118 में जो है आपका बी सही होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं, थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है क्या है, 119 विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो यही सही आंसर होगा इसका संज्ञा ए। नेक्स्ट देखते हैं 120, 120, 100 सही, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, दो। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, समय। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं, तो 122 का सही आंसर होगा ए, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं, तो 123 का आंसर होगा डी, संचालक। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं, तो 124 का सही आंसर जो है वो परख माना है। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं, तो यहाँ पर ए, आग जीव घर, यह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं, इधर देखना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है डी सही होगा, अमीय। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं, तो 127 में आंसर होगा आपका निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोद संख्या अध्याय। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका डी सही होगा, पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, पुराना वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर संयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर जो होगा आपका डी, इला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, 133 का आंसर जो होगा आपका ए होगा, गुण। 134 का आंसर आपका होगा डी, उसे शिमला जाना है। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर ए होगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर जो आपका वो डी होगा, तीन। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर आपका बी होगा, निपात। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर आपका डी होगा, विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, तो यहाँ पर थर्ड जो है आपका सही होगा सी, बहुत मीन मेक निकालना, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं, तो यहाँ पर ए सही होगा, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 141 में जो है आपका डी सही होगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर जो होगा आपका डी होगा, चार। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर आपका बी होगा, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं, आपका 44 का आंसर जो होगा वो ए होगा, जो कविता के मर्म में समझकर उसके रस में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, उसका सही आंसर आपका होगा देखने वाले की दृष्टि में। क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं, तो 146 में सही आंसर होगा सी, भक्ति और श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर देखें, तो यहाँ पर डी सही होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं, तो 148 में ए सही होगा, मार्ग। क्वेश्चन नंबर 149 में देखते हैं, तो यहाँ पर सी सही होगा, वृंद। क्वेश्चन नंबर 150 को देखते हैं, तो 150 में सही होगा ए, प्रसाद।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर देने का हमने प्रयास किया है, और ये जो है आयोग के द्वारा बताई हुई आंसर की है। तो दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत लगता है, उसका आंसर गलत लगता है, तो आप जो है यूपी बोर्ड की, यूपी पुलिस के बोर्ड जो है यूपी पीआरबी की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों यदि वहाँ पर आपत्ति दर्ज होती है तो आपको जो है उसका जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, यदि वह क्वेश्चन गलत होता है या फिर उसका आंसर जो है गलत होता है, तो आंसर जो है दोबारा भर्ती बोर्ड बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ जो है समाप्त करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।